अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रैवल हाइप। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों के माइंड में कि ए टू ए वीज़ा और ए टू बी वीज़ा कॉलिंग वीज़ा क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ए टू ए वीज़ा और ए टू बी वीज़ा में क्या फ़र्क होता है और इनकी सैलरीज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेसबुक पे आज का जो दो नंबरी चल रही है उनसे कैसे होशियार रहा जा सकता है। तो गाइज, ए टू ए जो वीज़ा होता है ना वो कंपनी का वीज़ा होता है और आपके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक साल का, दो साल का या तीन साल का। उस अरसे में आपको कंपनी के अंडर ही काम करना पड़ता है, आप कंपनी के अलावा कहीं भी काम नहीं कर सकते, ठीक है, और कंपनी आपका पासपोर्ट अपने पास ही रखती है। ये ए टू ए वीज़ा हो गया। और ए टू बी जो वीज़ा है वो भी कंपनी का ही वीज़ा होता है, लेकिन वो थोड़े बहुत पैसे ऊपर दे के कंपनी जो है वो आपको रिलीजिंग लेटर दे देती है, ठीक है, जिसमें ये लिखा होता है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको कंपनी ने इजाज़त दी है। तो उसे ए टू बी वीज़ा कहते हैं, जिसे हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं, और उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो जब आपको रीन्यू करवाना पड़ता है वो आप कंपनी से ही जाके रीन्यू करवाते हैं, ठीक है। ए टू ए और ए टू बी की तो समझ लगी आपको। अब मैं आपको सैलरीज का डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें जो ए टू ए वीज़ा होता है उसमें आपकी जो सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है, जो कंपनी आपके लिए डिसाइड करेगी। कुछ कंपनीज 1200 रिंगट पर मंथ डिसाइड करती हैं, कुछ 1500 और कुछ 1800, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होती ए टू ए वीज़ा की, और इसलिए इसकी प्राइस भी कम होती है। और बनिस्बत इसके ए टू बी जो वीज़ा है वो आप थोड़ा सा महंगा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें यह होता है कि आप कहीं भी काम करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप इजीली 2000, 2500 या 3000 रिंगट मंथली आराम से कमा सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक है। तो सैलरीज़ की भी आपको समझ लग गई है। और इसके अलावा आप लोगों को कौन सा वीज़ा सूट करता है, कौन सा अच्छा वीज़ा आपको लेना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप ए टू बी वीज़ा ही लें, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च लें, लेकिन उस वीज़े में आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं, और कहीं से भी, अगर आप बांग्लादेश से, इंडिया से हैं, आप अपने मुल्क किसी टाइम भी जा सकते हैं। तो मेरी नज़र में ए टू बी वीज़ा जो है वो ए टू ए वीज़े से ज़्यादा कारआमद है आप लोगों के लिए। और आगे मैं बात करूंगा फेसबुक पे जो आजकल दो नंबरी चल रही है कि उन्होंने एड्स लगाए होते हैं कि ये वीज़ा ले लें, इसमें 1500 सैलरी, 1800 सैलरी, 2000 सैलरी है, 2500 सैलरी है, आज़ाद वीज़ा है, ये सब कुछ दो नंबर हैं। जब आप वीज़ा ले लेते हैं, जब हम उनके शिकंजे में आ जाते हैं, तो आपका पासपोर्ट वो मलेशिया में रख लेते हैं और आपको 1200-1300 रिंगट सैलरी देते हैं, और दो या तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से आप बाउंड हो जाते हैं उस कंपनी में काम करने के, और आप ख्वार हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि फेसबुक पे जो एड्स लगी होती हैं या अखबार में एड्स आती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, ठीक है, उन पे एतबार ना करें। आप ख़ुद ही किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी या किसी कंपनी को ढूंढें और वहाँ अप्लाई करें सारी जान पड़ताल करके, ठीक हो गया गाइस। आप लोगों को समझ लग गई, ये छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के वीज़े, किस कैटेगरी के वीज़े और कौन सा वीज़ा आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे मलेशिया में, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और मुझे सपोर्ट करते रहें मेरे इस चैनल को, ठीक है। आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।